मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योग पुरुष ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ की 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ का चौरी चौरा की लड़ाई व राम मंदिर की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दशक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है तथा इस साल आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ है, जिसका उत्सव पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी के तहत नई शिक्षा नीति को लाया गया है, जिससे कि देश में शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाया जाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 40 लाख वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार बनी तब 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया गया तथा जल्द गोरखपुर में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाएगी और गैस के लिए इंतजार नहीं करना होगा और LPG से सस्ती होगी। उन्होंने कहा, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ समाज के संत थे व समाज के महापुरुष थे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा यह घोषणा करता हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में महंत बाबा गंभीर नाथ के नाम पर एक चेयर शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा, सबको समान शिक्षा मिले, इसी का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है कि सबका साथ और सबका विकास। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1990 के दशक में खाद कारखाना बंद हो गया था तथा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में खाद कारखाना अगले महीने फिर से चालू होगा। उन्होंने कहा, विकास के लिए सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है, तभी विकास संभव हो पाता है तथा जहां पर सकारात्मक सोच नहीं है वहां विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा, यह सोच संस्थानों से प्राप्त होता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। उन्होंने कहा, देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाँव, किसान, गरीब, महिलाओं के कल्याण के लिए राजनैतिक एजेंडे को पढ़ा है तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जनपद के 1 लाख से ज्यादा के नागरिकों के घरों में निशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया है। जो महिलाएं अपने घरों में चूल्हा फूंकती थीं, अब गैस चूल्हे पर खाना बना रही हैं। उन्होंने कहा, इस योजना का लाभ देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ मेवाड़ के एक राजवंश के परिवार में पैदा हुए थे तथा 5 साल के अंदर वह गोरक्षपीठ तक पहुंच गए तथा ब्रह्मलीन महंत गंभीर नाथ के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। उन्होंने कहा, योग दिवस जो कि पूरा देश 21 जून को मनाता है, यह ऋषि मुनियों साधु संतों की देन है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक विपिन सिंह, शीतल पांडे, विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, ADG जोन अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार NG, DIG जे रविन्द्र गौड़, DM विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, GDA VC प्रेम रंजन, SPCT सोनम कुमार, SP नॉर्थ मनोज अवस्थी, SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम सहित भारी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के विधायक शीतल पांडे ने कहा, प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम घटन लगाकर स्वागत इस राष्ट्रवादी संत पूज्य गोरक्षपीठ महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लिए महनीय योगदान है। ऐसे पूज्य महाराज जी का वंदन, अभिनंदन और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण। लोकार्पण नहीं होता, अनावरण होता है।
प्रोफेसर हमारे भाई जयप्रकाश प्रसाद जी राजभर
राज्यसभा सांसद जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह जी, महापौर जी के विधायकगण, अधिकारीगण और समस्त देवपुर जनता, महाराज जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में या यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज पूरा विश्व कह रहा है। आज अमेरिका में प्रधानमंत्री जी गए और पूरा अमेरिका में गूंज उनकी हो रही है, मोदी मोदी मोदी। उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में योगी योगी। कारण यही है कि जब आप निस्वार्थ जीते हो, कारण यही है कि आप जब माफिया लोगों के घर पर बुलडोजर चलाते हो, उनका 1800 करोड़ का जमीन छप करते हो गरीबों से लिया हुआ और फिर गरीबों को लौटाते हो, यह कारण है योगी योगी योगी। पूरा देश कह रहा है मोदी मोदी मोदी, पूरा विश्व कह रहा है। एक ऐसा संगठन जब से मुझे महाराज जी आए उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर का हम देख लेना, आज गोरखपुर स्वर हो गया, 5 फिल्म का शूटिंग चल रहा है। तो ये मंदिर, ये मठ, आंदोलन की पूरी कहानी जब हम स्क्रिप्ट पढ़े तो पता चला ये मठ पूज्य महाराज जी का, ये मठ जहां पर मंदिर है, ये कुछ भगवान राम के मंदिर के लिए भी लड़ा, आजाद देश के लिए भी लड़ा, चौरी चौरा के वक्त भी। ये मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है, वहां से पूज्य महाराज जी, इसीलिए महाराज जी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के कण कण का ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान जी, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी, महापौर सीताराम जायसवाल जी और मंच पर आसीन समस्त सांसदगण, विधायकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत है। समय क्योंकि बहुत कम है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उपस्थित यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गोरखपुर पीठ की पीठाधीश परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, लोकसभा के स्थानीय सदस्य भाई रवि किशन जी, जगदम्बिका पाल जी, आज के कार्यक्रम में अतिथि हो गया आए हुए आदरणीय भागवनाथ जी, राजस्थान हरियाणा का लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य भाई जयप्रकाश मिश्रा जी, स्थानीय मेयर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, नव निर्वाचित जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी, शहर के लोकप्रिय विधायक राधामोहन अग्रवाल जी, विधायक मित्र विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, शीतल पांडे जी, विमलेश पावर पासवान जी, श्रीमती संगीता यादव जी, संत प्रसाद जी,
मंत्री की ओर से पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की 52वां पुण्यतिथि पे इस सार्वजनिक सुविधा को एक बहुत प्रेरणादायी सुंदर मूर्ति के अनावरण के साथ एक भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक वृंद, पत्रकार मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, ये मेरा परम सौभाग्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी मेरे को मिला। अभी 2020 जुलाई में लगभग एक साल पहले 3 दशक के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये सुखद संयोग है। दूसरी एक ऐतिहासिक क्षण हम सब सभी के साथ है, आजादी का 75 साल पूरा हुआ है, अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसी के अवसर पे नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और मैं आज यहाँ आया हूँ कुछ महत्व दिग्विजयनाथ जी की पुण्यतिथि पे स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। दोनों की जुड़ाव देखिए, साहित्य में इस तो भूमि गोरखपुर में दृष्टता नहीं करूंगा, परम आदरणीय यूपी सिंह जी उपस्थित है, हमारे देश के वरिष्ठ शिक्षा मंत्री, दूरद्रष्टा, जूरद्रष्टा क्या ये साहित्य की शब्द है या ये कोई वास्तविक कल्पना है, कल्पना है या कोई वास्तविकता है? शायद महंत दिग्विजयनाथ जी की जिंदगी और उनके नाम पर जो दूरद्रष्टा कहा गया, युग दृष्टा कहा गया, शायद आज ही के क्षण में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ता हूं, उन दिनों में आजादी की पहले और आजादी के उपरांत इस पीठ में दिग्विजयनाथ जी ने जो प्राथमिकता दिया है महिला शिक्षा के बारे में, उसकी उल्लेख अभी 2020 में किया गया है। कल्पना करिए दृष्टि कब बनी थी, आजादी का पहले कोई सरकार के अंदर नहीं, समाज के एक संत ने, समाज के एक महापुरुष ने समाज कैसे होनी चाहिए, महिलाओं को, बालिकाओं को क्या स्थान मिलना चाहिए, लगभग सदी पहले इसकी कल्पना करने वाले संत ने। आज मेरे को सौभाग्य मिला है उनकी पीठ में खड़ा होके मैं आज शपथ ले सकता हूँ, आपको सामूहिक शपथ दिलाने का लेने का याद दिला सकता हूँ। आइए दिग्विजयनाथ जी को सही श्रद्धांजलि तब होगा, उन्हीं की बताई हुई शिक्षा नीति जो आज मोदी जी और योगी जी प्रदेश और देश में क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसी को हम लागू करें, उनको सही श्रद्धांजलि होगा। धर्म हो, सभी को समान शिक्षा मिले, इसीलिए मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, इसकी कल्पना दिग्विजयनाथ जी ने सभी पहले किया था, इसी के इसीलिए ऐसे महापुरुषों को युग दृष्टा कहा गया है। 100, 200, 300 साल पहले की सोच रखने वाला ये भूमि, ये संस्कार धाम आज सही श्रद्धांजलि होगा, उन्हीं के प्रति हम सामूहिक श्रद्धांजलि दें। वैसे ही जब मैं कहता हूँ, याद करता हूँ 1947 से लेके 2021 तक ये 75 साल के कालखंड आजादी के ऊपर, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से हमको नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, इस सभ्यता को आजादी 1000 साल के बाद मिली, कई लोग आए 500 साल को बीते से आक्रांत हमारे ऊपर है और कुछ साल उससे पहले हमारी यहाँ के रूढ़ी व्यवस्था, हमारे यहाँ की कुप्रथा हमारे ऊपर हावी रहा, मनुष्य को हम समानता के दृष्टि से नहीं मिले। लेकिन आज मेरे गंभीर मोह मेरा है ये कहने के लिए इच्छा हो रही है, गोरख धाम, गोरखपीठ ऐसा एक संस्कार धाम है जो सदियों पहले जान
जाति व्यवस्था के ऊपर समाज रचना की कल्पना किया था, ऐसे ही ये पवित्र दिन है। और इसी में आजादी का अमृत महोत्सव जब हम पालन करते हैं, उसी समय में चोरी चोरा की आंदोलन जिसमें दिग्विजय नाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्रांतिकारी के रूप में भूमिका रही है, उनको आई आधार सब लेके श्रद्धांजलि दे, समर्पण करें उनके सामने कि आप आपकी दिखाई हुई मार्ग शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोरोना की महामारी ने हमको कैसे चपेट में लिया। आज अगर दो तीन चीज रोगी की ना रहते देश की स्थिति क्या होगा। कुछ महीना पहले वैक्सीन कहां से आएगा, कैसे लगाएंगे, लोगों को संभालेंगे कैसे, उसकी चिंता पड़ी थी। आज उत्तर प्रदेश में इसी महीने में प्रधानमंत्री की जन्मदिन के अवसर पे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 40 लाख वैक्सीन लगा के विश्व के रिकॉर्ड। उसके मेरे पास उसकी दो तीन दिन के बाद मेरे को विश्व के एक देश की राजदूत आए थे मिलने के लिए फिनलैंड के। उनको मैंने कहा कि हमारी राज्यों की देश 3.5 मिलियन 35 लाख लोगों की देश है। मैंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका लगा दिया। ये व्यवस्था होती है। और कभी सोचिए कभी हमारे पूज्य संतों ने कई साल पहले कई दशकों पहले चिकित्सा के बारे में यहाँ चिंता किया था, इसी के नाम है उत्तर प्रदेश का। आइए इसी शुभ अवसर पे ऐसे महान विचारकों को, महान संतों को श्रद्धांजलि दे और समाज को और ताकतवर बनाने के लिए संकल्प करें। जब मैं यहाँ आया हूँ मेरे को अभी मेरे विधायक मित्र राधा कृष्ण जी ने, राधा मोहन जी ने याद करा रहे थे एलपीजी के बारे में। और मैं मित्र आज बताऊ, मैं आभार प्रकट करूंगा भारत सरकार की ओर से महाराज योगी आदित्यनाथ जी का। जब हमने मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उस समय में एक सीएसआर स्कीम था, पैसा पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यवस्था तो किया था, घड़ियाल में आंसू बहाने वाले लोग थे, पैसा तिजोरी में पड़ा रहा, खर्चा नहीं हो पाया। मेरे को मिलने के लिए आए थे महाराज जी ने, महाराज जी कुछ पैसा पड़ा है क्या, हम एक प्रयोग कर सकते हैं क्या। उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ एलपीजी की कुछ कनेक्शन गरीबों में देने की व्यवस्था है सीएसआर के पैसे में, आप उनको कुछ काम पे ला पाएंगे क्या। मेरे मित्र कमलेश जी छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, कमलेश जी और महाराज जी ने प्रयोग बनाया, कमलेश जी उसको बाद में आगे बढ़ाया। मेरा लगा के वो जमाना था कल्पना के लिए, तो महाराज जी भूमिका में नहीं थे, लोकसभा में संसद सदस्य ही थे। कल्याणकारी योजना को गरीबों को कैसे बांटना, महाराज जी ने मेरे को बाद में वीडियो भेजा, मेला लगा के फॉर्म वितरित किया, मेला लगा के उसको बांटा। उसी बीच से एक महावृक्ष की रूप किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको उत्तर प्रदेश में सफल देश में 8 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में एलपीजी की कनेक्शन मुफ्त में लगा है। और मैं आभार प्रकट करूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, 2 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है और उज्ज्वला तो 2.0 शुरू हो गया। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने झांसी में महाराज जी के साथ बैठ के उसको लोकार्पण किया। इसी को व्यवस्था कहते हैं, इसी को कल्याण के योजनाएं कहते हैं। और मेरा गोरखपुर से लगाव है। आज जब मैं लखनऊ से महाराज जी के साथ आ रहा था, महाराज जी ने मेरे को नई भारत की आत्मनिर्भर भारत की एक निशानी को दिखाया, मेरे को शोभा दे दिया। राम मंदिर दर्शन करवाने के लिए प्रभु राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का उन्होंने मेरे को दर्शन करवाया।
नई विकास मंदिर गोरखपुर खाद कारखाना को उन्होंने मेरे पास दर्शन करवाया। मैं सौभाग्य मिला है उस कारखाना को लागू करने में, चालू करने में, क्रियान्वित करने में मेरा पूर्व विभाग की प्रतिनिधि का भूमिका था। मैं लेकिन मेरे के रूप में थोड़ा बहुत मालूम जा रहा हूँ। मेरे लगा गोरखपुर के साथ में यही कारखाना आप लोगों के सामने चंद दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की गरीबा में उपस्थिति में उसको लोकार्पित किया जाएगा, यहाँ के किसानों के लिए समर्पित किया जाएगा, यूरिया की बात रखना होगा। ऐसे इतने में रहेगा नहीं, हम तो उन दिनों में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे। अभी तो हमारी सपना है, जिम्मेवारी है, गोरखपुर के घर घर में पीने की पानी जैसे नल में आते हैं, घर में भी नल में गैस आएगा, माँ बहनों को सिलेंडर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वो सस्ता होगा, एलपीजी से सस्ता होगा, सुविधा की व्यवस्था होगी। उतने में नहीं मित्रों, ये धान उगाने वाले इलाका पराली को हम जला देते थे, गोबर को हम त्याग करें एलपीजी और बाकी व्यवस्था होने के बाद महाराज जी ने हमें जिम्मेवारी दिया, हमने गोबर और पराली से गैस बना के यहाँ की उद्योगों को, यहाँ के घरों को देने का भी कारखाना हमने शुरू कर दिया है। चंद दिनों में उसका भी फायदा गोरखपुर को मिलने वाला है। मित्रों आज मैं निवेदन करने आपके पास आए हैं, जब लोग सुविधा के लिए प्रकल्प समाप्त समर्पण किया जाता है, लोकार्पण किया जाता है, मैं भारत की ओर से आपको निवेदन करने आया है। मित्रों 75 साल में भारत की तो हक था, भारत की तो अधिकार था, उत्तर प्रदेश की तो अधिकार था, तो नहीं हो पाया, क्योंकि जिन लोगों के हाथों में रहा उन लोगों ने विशेष करके वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए न्याय नहीं किया। सत्ता नहीं होता है उपभोग करने के लिए, सत्ता होता है जनसेवा करने के लिए, जिसकी मिसाल श्री नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है। मित्रों इन्हीं के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, इनकी योजनाओं को नीचे ले जाना पड़ेगा, जो योजनाएं पहुंचती है, आदत पहुंचती है, पूरा करना पड़ेगा, और आने वाले कई दशक तक उसी व्यवस्था को हम जारी रखेंगे तो भारत आने वाले जो 25 साल रहेगा, आने वाला जो 25 साल रहेगा, उस 25 साल में भारत विश्व की अव्वल नंबर की देश होगा। आज तो योगी जी ने बीमारू राज्य से यूपी को एक नंबर के राज्य में परिवर्तित किया है। आने वाले विश्व जिन दिनों में यूपी की ताकत से, यूपी के नागरिकों के फैसला से भारत को एक नंबर की देश हम दुनिया के अंदर बनाएंगे, यही दो शब्द कहने के लिए मैं आज की श्रद्धांजलि सभा में आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, दिग्विजयनाथ कोई महंत नहीं रहे, दिग्विजयनाथ की कोई व्यक्ति नहीं रहे, दिग्विजयनाथ कोई दूर की बात नहीं रहे, एक विचार है, एक आदर्श है, एक प्रेरणा की पुष्ट है। ऐसे प्रेरणा को बनाने वाले भी कितना बड़ा होगा कल्पना करिए। महंत गंभीरनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ जी, उसी परंपरा के मूल बीज गोरखनाथ की परंपरा से संस्कार जाती है, और उसी को आधुनिक भारत में ऐसे संतों को दिग्विजयनाथ जी अगर तैयार ना होते आज आदित्यनाथ जी नहीं होते, और ऐसे दिग्विजयनाथ को तैयार करने वाले गंभीरनाथ जी की हेतु उनकी स्मृति में, उनकी सम्मान में भारत सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में है, राज्य सरकार की विश्वविद्यालय है, उसी विश्वविद्यालय में पूज्य संत महंत गंभीरनाथ जी के नाम पे यूजीसी की ओर से भारत सरकार चेयर स्थापित करेगी। मेरा सौभाग्य है मैं शिक्षा मंत्री के नाते, देश के शिक्षा मंत्री के नाते, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी का इस सुझाव को पालन करने का सौभाग्य मेरे को मिला, और मैं उससे ज्यादा मेरे लिए प्रसन्नता की विषय है। मैं गोरखधाम पे आज जैसे गंभीरनाथ जी की कुर्ती
पृथ्वीनाथ जी उनकी पुण्यतिथि पर इसी विषय को मैं आज जिम्मेवारी के साथ घोषणा करने का मेरे को सौभाग्य मिला। पावन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा उद्यमिता विकास और कौशल विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मठस्थल मोहर रोहतक के श्री महंत और अलवर से लोकसभा के लोकप्रिय सांसद महंत योगी बालकनाथ जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज के इस पावन कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि विकास की अपने सकारात्मक सोच होती है। जहां पर व्यक्ति के मन में सकारात्मकता नहीं, वहां पर विकास के और इस संस्कारों से प्राप्त होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के क्रम आगे बढ़ता है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं हो, इन सब के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदला। और मुझे याद है जब आज से लगभग 15 वर्ष पहले मुझे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ एक आंदोलन में उड़ीसा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं इस बात को महसूस किया था वहां पर कि कैसे एक गरीब की जमीन को बचाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और हम लोगों ने कोणार्क से लेकर के पुरी के बीच में पूरे इतने बड़े लंबे क्षेत्रफल में उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा था। और भाइयों बहनों, इसके उपरांत जब मोदी जी के कैबिनेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के मंत्री बने तो पहले सीएसआर योजना के माध्यम से हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमने गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी। हम लोगों ने कैंप लगाकर के गोरखपुर के लोगों को लगभग उस समय 1,00,000 से अधिक कनेक्शन गोरखपुर की जनता को उपलब्ध हुए। और फिर बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 2016 में देश में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। हर एक उस गरीब की ना जाति देखना है, ना क्षेत्र देखना है, ना उसका चेहरा देखना है, ना उसकी भाषा देखनी है। भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। यही है सबका साथ सबके विकास। और यही तो भाव हमारे पूज्य संतों का था, सर्विस हो तो सुखना, सर्वे संतु निरामया का। यही वो भाव, सनातन भाव है जो हमें दुनिया से अलग करके रखता है, दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाता है, हमारा एक मानवीय चेहरा दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। और उस भाव के साथ जब गरीब के भी और किसान की भी चिंता होती है, हाँ याद करिए 1990 में गोरखपुर का कारखाना बंद हो गया था, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर का खाद कारखाना अगले महीने
प्रिजन साथ में पांच दिन तो बंद हो रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, रोजगार पे रोजगार बंद किया जा रहा था, लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा था। लेकिन जब एक सकारात्मक सोच की सरकार, राष्ट्रीय मूल्यों की सरकार देश के अंदर आती है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज के इस अवसर पर जब वहां मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मी महंत के पूज्यनाथ जी महाराज की इस मूर्ति की स्थापना और अनावरण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, गोरखपुर के वासियों की ओर से, प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज मेवाड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध राजवंश में पैदा हुए थे, जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से देश के सामने और दुनिया के सामने अपना एक नया इतिहास लिखा था और रचा। भले ही घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन किसी विधर्मी और किसी विदेशी आक्रांता के सामने सिर नहीं झुकेगा। माना प्रताप घोष आज भी हर स्वधर्म और स्वदेशाभिमानी नागरिक को गौरवान्वित करती है। देवलोक से मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्हें गोरखस्पीठ तक पहुंचा दिया और गोरखस्पीठ में आने के बाद योगराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में उनकी शिक्षा दीक्षा गोरखस्पीठ में प्रारंभ होती है। योगराज बाबा गंभीरनाथ जी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक बहुत सिद्ध योगी थे, गोरखस्पीठ उनकी गुरुभूमि थी। और आप देखिए योगराज बाबा गंभीरनाथ जी किस रूप में सिद्ध थे, मेरा महान दिग्विजयनाथ जी का लालन पालन के सानिध्य में हो रहा है और बंगाल की धरती में भी भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी का भी दीक्षा संस्कार इसी गोरखपीठ में ही योगराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में संपन्न होता है। आप देखते हो भारत सेवा श्रम संघ जहां जहां उनके आश्रम है वहां वहां पर योगराज बाबा गंभीरनाथ जी के चित्र भी उनके वहां पर स्थापित है। हम लोग भी योगराज बाबा गंभीरनाथ जी के प्रति वही श्रद्धा का भाव हमारे मन में है, क्योंकि उनकी सिद्धि और उनके चमत्कार आज भी महसूस किए जा सकते हैं और यही भाव भारत सेवा श्रम संघ का देश के अंदर दुनिया के अंदर जहां जहां भी उनका अपना प्रसार है, उनके योगी है, उनके सन्यासी है, वहां वहां पर उसी भाव के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के जाते हैं। और मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने योगराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक चेयर की स्थापना की, जो इस योग और साधना के क्षेत्र में न केवल साहित्य का प्रकाशन करेगा बल्कि शोध को और आगे बढ़ा करके भारत की हजारों वर्षों की विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने में अपना योगदान देगा। बड़े बहनों आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की परंपरा को किस रूप में वैश्विक मंच पर प्रदान किया। हम जब 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है। यही श्रद्धा और सम्मान का भाव है, उनकी देह में उस प्रसाद को, उनकी उस विरासत को हम वैश्विक मंच पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अपनी परंपरा को के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और वही श्रद्धा को व्यक्त करने का एक माध्यम आज योगराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में योगराज बाबा गंभीरनाथ पीठ की चेयर की स्थापना यूजीसी के द्वारा यहाँ पर घोषित होना, मैं इसके लिए माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आजादी की लड़ाई में
इस क्षेत्र के एक क्रांतिकारी युवा के रूप में आंदोलन के साथ कूदे और उस आंदोलन के अग्रणी सेनाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लेने के बाद जब उन्हें लगा कि आजादी अब बहुत दूर नहीं लेकिन देश की राजनीति पुष्टिकरण की भेंट चढ़ रही है तो उन्होंने उससे अलग हट करके वीर स्वतंत्र यानी स्वतंत्र वीर सावरकर के नेतृत्व में उस समय के आंदोलन के वे अग्रणी योद्धा बने थे जहां देश की स्वाधीनता के कालखंड में इस युद्ध को निरंतर आगे बढ़ाते रहे इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे वहीं आजाद भारत में किस प्रकार के नागरिक होने चाहिए 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना उन्होंने इसी गोरखपुर में की थी जिसने 1956 में जाकर के गोरख आज के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला बना था और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कर रही है आज मुझे हृदय से प्रसन्नता है यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और संस्कृति विभाग ने मिलकर के महंत दिग्विजय नाथ जी कहीं ना कहीं अक्सर उसका अक्ष देखने को मिलता है आज गोरखपुर में जो खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था इस खाद कारखाना को स्थापित करने के लिए भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने उस समय में सांसद थे उसी समय गोरखपुर का खाद कारखाना स्थापित किया और यही नहीं बिहारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या फिर गोरखपुर में एक समय मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज एक तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है ये उस कालखंड की वे सेवाएं हैं जो गोरखपुर के एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके सार्थक प्रयास से गोरखपुर को इस प्रकार की अमूल्य चीजें उस कालखंड में प्राप्त हुई थी आज भौतिक रूप से नहीं लेकिन गोरख स्पीड का संदेश और उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं निरंतर उनके संदेश को लेकर के जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है उनका यह भव्य प्रतिमा और भव्य मंच निरंतर गोरखपुर के नागरिकों को पूर्वोत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वदेश स्वधर्म और राष्ट्रीयता से जुड़ने की निरंतर प्रेरणा प्रदान करता रहेगा इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का सभी आगंतुक अतिथियों को इस अवसर पर हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अपने महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित संस्थाएं और उससे जुड़े हुए सभी नागरिक सभी छात्र छात्राएं सभी शिक्षक सभी प्राचार्य इस व्यवस्था को निरंतर उनके आदर्शों के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे मैं पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के चरणों में ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद जय हिंद केंद्रीय मंत्री ऐसी प्रतिमा का अनावरण किए हैं जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज़ाद होने के बाद सामाजिक लड़ाई को लेकर के राम मंदिर राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण की लड़ाई को लेकर के उन्होंने गोरखपुर में बड़ा संघर्ष किया था आज उस प्रतिमा का अनावरण हुआ है जहाँ 1932 में ही इस पूर्वी उत्तर प्रदेश को शिक्षा जगत से जोड़ने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का गठन हुआ और आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें आयुर्वेद भी है पॉलिटेक्निक भी है इंजीनियरिंग भी है डिग्री कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट ये सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं तो ऐसे महान महंत युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ महाराज जी के पुण्यतिथि पर आज केंद्रीय मंत्री जी आए थे
और आज भी जन जन में इतने दिन उनकी पार्थिव शरीर समाप्त हुई, इतने दिन में भी जन जन में वो लोकप्रिय हैं, ऐसे महान जी को श्रद्धांजलि दी गई।